हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को ये म्यूजिक कीबोर्ड को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये केसियो कंपनी का कीबोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक बटन टूट गया है, ये स्विच मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये वाला स्विच पहले यहाँ पर लगा था। तो इस वीडियो में ये प्रॉब्लम को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये स्विच बजाते टाइम यहाँ से टूट गया है, तो इस स्विच को बिना बदले यहाँ पर पहले जैसा रिपेयर करके दिखाऊंगा। पहले भी मैंने यहाँ पर और एक स्विच रिपेयर किया हूँ, इसके किनारे के स्विच को मैंने रिपेयर किया हूँ, ये वाला स्विच देख सकते हैं आप लोग। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को रिपेयर करके दिखाऊंगा पूरा। सबसे पहले आप लोगों को बजा के दिखा देते हैं ये स्विच काम करता है या नहीं। ये स्विच ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि इसके ऊपर का बटन टूट गया है, प्लास्टिक का बटन है वो, इसीलिए टूट गया है यहाँ पर ज़ोर से बजाने से। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका साउंड को टेस्ट करके दिखा देते हैं। ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया हूँ और यहाँ पर भी स्विच को ऑन कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं पावर ऑन हो गया है। अब मैं आप लोगों को साउंड सुना के दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसका साउंड आ रहा है। वॉल्यूम को मैंने फुल कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बज रहा है। बाद में आप लोगों को बजा के सुनाऊंगा, अभी आप लोगों को मैंने ऐसे साउंड टेस्ट करके दिखाया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला स्विच यहाँ पर बज रहा है, लेकिन ये बटन टूट गया है। इस प्रॉब्लम को पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये स्विच को बिना बदले आप लोग इसको रिपेयर कर सकते हो। ये स्विच को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले खोलना होगा। इस स्विच को मैं कैसे रिपेयर करूँगा इस वीडियो में पूरा आप लोगों को चेक करके दिखाऊँगा ये काम करता है या नहीं। बाद में आप लोगों को बजा के सुनाऊँगा। अब इस स्विच को रिपेयर कर लेते हैं। अब इस स्विच को रिपेयर करने के लिए इस केसियो को पीछे की तरफ खोलना होगा। यहाँ पर स्क्रू लगा रहते हैं, सबसे पहले एडाप्टर की तार को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पीछे की तरफ यहाँ पर बहुत स्क्रू लगा रहते हैं। ये सभी स्क्रू को एक करके खोल लेते हैं पहले यहाँ से। ये पीछे की तरफ मैंने सभी स्क्रू को खोल लिया हूँ यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ऊपर के ये ढक्कन को हटा लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्किट में जो ये स्क्रू लगा रहते हैं, स्क्रू को भी खोलना होगा आप लोगों को। आप लोग इस वीडियो को देख के दूसरे म्यूजिक कीबोर्ड को भी रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सभी कंपनी की म्यूजिक कीबोर्ड के अंदर में एक ही जैसा होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के दूसरे कीबोर्ड भी रिपेयर कर सकते हो बड़े वाला। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे में ये बटन में यहाँ पर भी स्क्रू लगा रहते हैं, इसको भी खोल लेते हैं यहाँ से। यहाँ से भी मैंने सभी स्क्रू को खोल लिया हूँ, और ऊपर का जो ये बटन देख रहे हैं आप लोग, जो स्विच में ताज होता है ये वाला देख सकते हैं, ये कार्बन का बटन है, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद ये जो स्विच है इस स्विच को बाहर निकाल लेना है। अब मैं यहाँ से ये स्विच को पूरा बाहर निकालूंगा एक साथ, यहाँ पर ऐसे फंसा रहते हैं। यहाँ से स्विच को बाहर निकालने के लिए आप लोगों को सावधानी रखना है, क्योंकि ये स्विच थोड़ा हिलने पर ये ख़राब हो जाता है, यहाँ पर टूट सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच टूटा हुआ है, यहाँ पर पहले ऐसे लगा था। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये स्विच, इस स्विच को तो आप लोगों को मैं पूरा रिपेयर करके दिखाऊँगा इसको कैसे रिपेयर करना है। इसके किनारे का स्विच देख सकते हैं, इसको मैंने रिपेयर किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब ये स्विच को भी आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये टेप की मदद से आप लोग आसानी से इस स्विच को रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को एक टेप लेना है, लेके यहाँ से बीच में ऐसे काट देना है, स्विच की हिसाब से, स्विच की लेंथ की हिसाब से आप लोगों को ऐसे काटना है। आप लोग देख सकते हैं मैं स्विच की लेंथ के हिसाब से ये टेप को काटा हूँ बीच में से, और उसके बाद दो टेपों को यहाँ पर ऐसे लगा देना है, और दो टेपों को मैं यहाँ पर ऊपर में लगाऊँगा। यहाँ पर ज़्यादा टेप लगाने से ये स्विच यहाँ से नहीं हिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चार टेप को लगा दिया हूँ इस स्विच के ऊपर। अब इसके ऊपर और एक टेप लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये टेप यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर में ग्लू को लगा दूंगा मैं। अब इसके ऊपर और एक टेप को लगाऊँगा मैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये टेप को मैं चारों तरफ से ऐसे लगाऊंगा। ये टेप को यहाँ पर चारों तरफ से ऐसे लगाने से ये जो ऊपर मैंने लगाया हूँ टेप, ये टेप बाहर नहीं निकलेगा, आप लोग देख सकते हैं। स्विच के ऊपर मैं चारों तरफ टेप को लगा दिया हूँ, और उसके बाद इस टेप को यहाँ पर ऐसे लगा देना है आप लोगों को। यहाँ पर स्क्रू को टाइट करने से ये टेप यहाँ पर फंसा रहेगा। अब मैं यहाँ पर इस टेप के ऊपर में ये प्लास्टिक का ग्लू यूज़ किया हूँ, आप लोग यहाँ पर फेविक्विक ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ग्लू को लगा दिया हूँ।
अब यह ग्लू यहाँ पर लगाने से अब यहाँ से कभी नहीं हिलेगा यह स्विच, यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेगा। और स्क्रू टाइट करने पर भी यहाँ पर यह स्विच अच्छी तरह से यहाँ पर फंसा रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद यह ग्लू सूख जाएगा यहाँ से। अब यह स्विच पूरा सूख गया है, थोड़ी देर बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों स्विच को मैंने यहाँ से पहले भी और एक स्विच को किनारे पर रिपेयर किया हो। अब इसको फिट कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद इसको फिर से यहाँ पर ऐसे लगा देना होगा। अब मैं आप लोगों को इस स्विच को चेक करके भी दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, रिपेयर हुआ है या नहीं। यहाँ पर मैंने पूरा फिट कर लिया हो, और उसके ऊपर स्क्रू को टाइट कर लेते हैं पहले, और उसके बाद आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा इसको बजा के ये स्विच कैसा हो रहा है बजाने से। और ऊपर में इसको लगा देते हैं, ये पुश अप स्विच है कार्बन का। और उसके बाद इस सर्किट को यहाँ पर लगाने से आप लोगों को साफ कर लेना ज़रूरी है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर सर्किट को लगा दिया हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर भी स्क्रू को टाइट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर स्क्रू को मैंने पूरा टाइट कर लिया हूँ, और उसके बाद इस ढक्कन को ऊपर में पहले जैसा लगा देते हैं। अब मैं आप लोगों को पूरा चेक करके दिखाऊंगा यह स्विच कैसे काम करता है, रिपेयर हुआ है या नहीं। अभी आप लोग देख सकते हैं यह स्विच अभी जो मैंने यहाँ पर रिपेयर किया हो, इसके किनारे के स्विच को में भी मैंने पहले से भी रिपेयर किया हो। अब मैं इसको बजा के दिखाऊंगा ये स्विच काम करता है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं ये पावर ऑन हो गया है, साउंड आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से साउंड आ रहा है। अब ये स्विच देख सकते हैं ये स्विच भी अच्छी तरह से बज रहा है यहाँ पर, यह स्विच बहुत कम्फर्टेबल लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये स्विच नहीं हिल रहा है, पहले जैसा यहाँ पर है, बहुत अच्छी तरह से फीड हो गया है। इसका साउंड सुन सकते हैं आप लोग, इसके सीओ का। आप लोगों को मैंने थोड़ा कॉर्ड को बजा के दिखा दिया हूँ, अब मैं साउंड को बदल लिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये केसीओ बहुत अच्छी तरह से बज रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच भी अच्छी तरह से बज रहा है, आप लोगों को मैंने चेक करके दिखा दिया हो। यहाँ पर यह स्विच नहीं हिल रहा है, अच्छी तरह से बज रहा है। तो आप लोगों को मैंने पूरा चेक करके दिखा दिया हो इस स्विच को रिपेयर करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।